तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा, कोई बताना चाहेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? एनीवन? सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्रेस एक्यूरेसी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस्ड। फिजिकल क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेस्ट, द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नॉन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड इट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के हमने कुछ वैल्यूज को लिखी, तो उस वैल्यूज को एक्यूरेटली प्रिसाइजली लिखने के लिए उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स होते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। द डिजिट्स हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नॉन इन पर्टिकुलर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब समझिए सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस इसीलिए भी और ज्यादा है क्योंकि जेई मेन्स का जो एग्जाम होता है, ठीक है, जेई मेन का जो एग्जाम होता है जिसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन, मतलब 5 5 5, टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आंसर देखने होते हैं, 0 to 9 में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको अगर प्रॉपर यूज पता है तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो देखो देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला रूल तो ये है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 15248 हमने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, तो 15248 ये क्या है, एक नंबर है, और अगर ये एक नंबर है तो ये सारे नॉन जीरोज हैं, राइट? ये सारे कैसे हैं, नॉन जीरोज हैं, तो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसका, तो सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 5। आप गिनो, देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। बोलो कोई डाउट इसमें? नो ठीक है, सर। दूसरी चीज समझिए, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, मतलब कि दो नॉन जीरोस के बीच में अगर कोई भी जीरोस आते हैं तो वो सारे क्या काउंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 108.006, ठीक है, तो 108.006 में आप देखिए कि ये 108.006 में 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 के बीच में जितने जीरो आ रहे हैं वो सभी जीरो को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। यस और नो? यस ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका 6। कितना हो जाएगा बेटा, 6। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? सर, यस अगर जो जो आपने पहले वाला एग्जांपल दिया, जैसे 15248.00 लिखे, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी? अभी हम उस रूल को पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। सर, बोल भाई। ठीक है, तीसरा रूल देखो, अभी सारे क्लियर कर लेते हैं फिर आपके डाउट्स ले लूंगा मैं। ठीक है, थर्ड है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी जीरोस आते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी जीरोस आते हैं वो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए ऑल जीरोस, तो ये दो जीरो है, टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, तो इसके राइट में, तो इसके राइट में क्या है, 8 5 एंड 3, तो 8 5 एंड 3 इसके लेफ्ट में क्या है, तो 0 0 है। तो यहाँ पे लिखा है टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ये जो पहले 0 0 लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 8 5 एंड 3, ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, इट कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्या कहेंगे, 8, 5 and 3 contains significant figure. बोलो यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, चलो रूल नंबर 4 लिखना रह गया, चलो वो भी मैं अभी कर देता हूं. फिर है रूल नंबर 4. तो रूल नंबर 4 क्या है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. If they are not followed by, if they are not followed by non-zero digit. So fourth में part A है. All zeros to the right of a decimal point are significant if they are not followed by a non-zero digit. अगर वहां पीछे क्या नहीं आएगा, non-zero digit नहीं आएगा तो. For example, for example, 30.00. तो आप देखो, all zeros to the right of a decimal point are significant. मतलब decimal point ये रहा आपका, और डेसिमल के पॉइंट के बाद में 2 zeros है हमारे पास में, है या नहीं? Yes, sir. लेकिन ये yes, 2 zero तभी काउंट होते हैं जब ये 2 zeros हैं उसके बाद में, मतलब ये 0 0 के बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट ना आए. तो इसके बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट दिख रहा है क्या आपको? No, sir. नहीं दिख रहा है. No, तो sir. हम इसे काउंट करेंगे. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. बोलो क्लियर यहाँ तक? ठीक है. यस सर. अगर उसके नॉन जीरो डिजिट्स होते तो मतलब तो नहीं काउंट करते, तो काउंट नहीं किया जाएगा. तो सर दो ही होते ना, 3 और 0, पीछे कुछ होता तो नॉन जीरो टर्म. तो फिर तो सारे ही काउंट हो गए ना. अभी बता रहा हूं, रुक जा. देख, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट non-zero digit, all zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. All zeros to the right, all zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal points are significant. For example, देख भाई तेरा क्वेश्चन का आंसर 0.078000. तो कितने हैं इसमें आएंगे? कितने आएंगे? कितने आ जाएंगे? 5 आएंगे. बोलो क्लियर है? यस सर. तो रूल क्या कहता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है बेटा? 8. डेसिमल में है, आफ्टर द डेसिमल
all zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. तो ये decimal point है, decimal point के बाद में last में non-zero है हमारा 8 और उसके बाद में जितने भी zero आएंगे वो सारे हम क्या करते हैं count करेंगे. बोलो clear है? Yes. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका significant figure मतलब significant number क्या है? कितना है? 5. बोलो क्लियर है यहां तक? Yes. अब रूल नंबर 5 देखो. रूल नंबर 5 ये कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. ध्यान से समझना, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. देखो 2020, तो ये जो 2020 यहाँ पर हमने लिखा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो जीरो है ये काउंट नहीं किया जाएगा. बोलो क्लियर है? बिकॉज नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है वो. 2020 जो है उसमें 202 तक हमने देखा, 202 के बाद क्या है? जीरो. तो जीरो यहाँ पर जो आ रहा है बेटा इट विल नॉट बी काउंटेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? यानी सर अगर 200 लिखेंगे तो उसमें 1 ही होगा. यस, 1 ही होगा. ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो 3 है. लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास में जो भी डिजिट्स दी गई हैं एंड इफ दैट इज मेजर, इफ इट इज मेजर फॉर अ डिस्टेंस और समथिंग लाइक वो किसी मेजरमेंट का पार्ट है. लाइक यहां पर अगर मैं कहूं कि इफ आई हैव रिटन 2020 मीटर, क्या लिखा है? 2020 मीटर, दैट इज अ यूनिट ऑफ, दैट इज अ यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट. तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर में वो जीरो भी काउंट किया जाएगा. बोलो आई बात समझ में? यस. अगर 2020 लिखा है और उस वो कोई मेजरमेंट का पार्ट नहीं है, इट इज इफ इट इज जस्ट अ नंबर देन सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. लेकिन 2020 लिखा है और उसके पीछे अगर आपने यूनिट भी लगाया है तो यूनिट लगाने की वजह से क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट जीरो इज गोइंग टू पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 4. बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है? No, sir. अब एक चीज समझिए, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 2.020 × 10⁵ सेंटीमीटर, तो 2.020 × 10⁵ सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट नंबर क्या आ जाएगा? 4. 4 आएगा. क्या आ जाएगा? 4. एंड यहाँ पर लिखा है 2.020 किलोमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या आ जाएगा? 4. 4 आ जाएगा. वेरी गुड. क्लियर है सभी को? Yes. Yes, yes, sir. Anyone has any doubt in this? No, sir. Yes. Yes. चलिए देखिए, हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं इसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है 6729 न्यूटन. इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है? 4. गुड. सेकंड है 0.024. 0.024. ये रूल नंबर 2 है. देखो ऑल जीरोस अक्रिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, 2 सर. एक मिनट, ये रूल नंबर 2 कहां से आ गया? रूल नंबर 3 होगा ना? यस, ये रहा. हां सर, 3 है रूल नंबर 3. हाँ, रूल नंबर 3. तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट
एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 इसमें अप्लाई हुआ है 0.024 के अंदर। फिर तीसरा देखिए 6.0023 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका बताओ क्या आएगा? 5। इसमें रूल नंबर 2 आएगा। ठीक है, फिर चौथा देखो, फोर्थ ले लेता हूँ 2.520 × 10⁷ मीटर, कितना आएगा इसमें? 3। ठीक है, तो क्या आएगा? 4। देन 0.08240 मीटर स्क्वायर इनवर्स, फोर आएगा, राइट? यस। कुछ टाइम पे आपके आपको रूल याद नहीं होंगे, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट नंबर निकालना आ जाएगा। फिर 4200 सर, फिफ्थ नंबर में 4 कैसे आएंगे सिग्निफिकेंट? 2 सर। हाँ 2 सर। तो अरे रुक जा भाई, किसी को डाउट भी तो पूछ लेंगे। हाँ बच्चा बताओ। रुतु क्वेश्चन फिफ्थ। हाँ सर क्वेश्चन फिफ्थ फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसमें क्या है 0.08240। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा 4B। देखो 4B क्या कह रहा है, All zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. So all zeros after the non-zero. So all zeros में कौन सा एक ही zero आ रहा है यहाँ पर? Yes. उसके पहले वाला तो count करना नहीं है हमें. Okay sir. ठीक है. Four. और अगर मैं यहाँ पे मान लो मीटर लगा दूं तो फोर हो जाए। गुड। देन 4.57 × 10⁸ three. Good. एक और देख लेते हैं 91.000 मीटर। five. अरे हाँ भाई रुक जा, तो सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा 5। ठीक है सर, पॉइंट के बाद तो सब होगी ना काउंट? हाँ पॉइंट के बाद सब होगी काउंट, मीटर भी तो लगा हुआ है ना। यस सर। अगर इधर मीटर नहीं होता तो 2 ही आता ना? तो भी 5 ही आते बेटा। हाँ सर, क्योंकि अभी हमने देखा ना ये वाला, देखो 30.00 वाला डेसिमल के बाद में अगर यहाँ पे लिखा होता 9100 तो फिर सिर्फ 2 आता। ओके सर। और अगर लिखा होता 91.00 तो 4 आता। ठीक है, और अगर लिखा होता 91.00 मीटर तो भी 4 आएगा, अगर लिखा होगा 9100 तो 2 आएगा। ठीक है, हमें सर इसकी जरूरत क्या पड़ती है? अभी आगे पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस 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 सर। यस। चलिए अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है,
या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। वो रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं वो देखिए। तो मैं सम एंड डिफरेंसेस बता रहा हूँ, मतलब कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हो राउंड ऑफ करने वाला सिस्टम कि 5 या 5 से बड़ा है नंबर तो लास्ट में हम एक वन नंबर ऐड कर देते हैं, राइट? करते हैं ना? यस, बोलो क्लियर है यहां तक? तो रिपीट करो ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि लास्ट का जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम एक डिजिट क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे पीछे से। भाई 5 है तो 6 कर देते थे, 7 होता तो 8 कर देते हैं लास्ट में। यस सर, यस सर, यस सर, है ना? तो राउंड ऑफ करने वाला जो सिस्टम है बेसिकली उसी का कहीं ना कहीं हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है? चलो देखिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन में कैसे यूज किया जाता है वो समझिए। अगर यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट नंबर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो इसका रूल क्या है वो देखिए बेटा। सबसे पहला इसका रूल क्या है समझिए। तो रूल नंबर 1, डू नॉट रिटेन, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रिजल्ट computed from, computed from addition or subtraction, then in the observation, do not retain greater number of decimal places in a result computed from addition or subtraction than in the observation, which has the fewest decimal places. Okay. So here you, as you can see, that is the first rule. Do not retain a greater number of decimal places in a result computed from addition or subtraction than in the observation, which has the fewest decimal places. ठीक है? जैसे कि अगर हमारे पास में दो digits हैं, for example, मैं example के साथ समझाता हूँ। For example, हमने लिया 428.5 और दूसरा ले लेते हैं 17.23, ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes. अब यहाँ पर हम इसका सम करते हैं, इसका सम मतलब इसका एडिशन। तो एडिशन कितना आएगा? यहाँ पर हमें ना चाहते हुए भी जीरो तो लेना ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. 3, 7, 15. तो 445.73 क्या ये आंसर आएगा? Yes. ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है 445.73 क्या आ रहा है? 445.73 तो हम इसमें क्या कर सकते हैं?
The sum and difference taken in the manner, अब डिफरेंस देखिए, ये सम लिया हमने, डिफरेंस में देखिए 428.5, जीरो तो लेना ही है हमें, ना चाहते हुए भी बाद में लेते हैं, -17.23। अगर हम यहाँ पे जीरो कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है, तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 4.11.27, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, द सम एंड द डिफरेंस टेकन इन दिस मैनर आर नॉट कंसीडरेबल, सो व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स अज्यूम अ जीरो टू बी इन अ सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल, वी हैव अज्यूम अ जीरो, फाइन, इन अ सेकंड प्लेस आफ्टर द डेसिमल। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने डेटा लिखा है यहाँ पे 428.5, तो हमने तो फर्स्ट डेसिमल के लिए लिखा था, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इनएबिलिटी थी कि वो उतना एक्यूरेसी से उसे मेजर नहीं कर पाया, तो हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जीरो होगा। यस और नो? यस सर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द चॉइस ऑफ जीरो ओनली इन द सेकंड डेसिमल प्लेस ऑफ द डेटा इज नॉट जस्टिफाइड, हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, भाई ऐसा हमारी इच्छा हुई हमने जीरो ले लिया, ये तो कोई जस्टिफाइड नहीं हुआ भाई, ये तो आपके इंस्ट्रूमेंट की गलती है कि वो 428.5 के बाद के डिजिट को कैलकुलेट नहीं कर पाया, हो सकता है यहाँ पर 1 होता अगर कैलकुलेट करते तो आपका आंसर गलत हो जाता। यस और नो? यस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर सम किया और हमने यहाँ पर डिफरेंस किया, तो डिफरेंस और इसमें हमें ये आंसर मिल रहा है, तो हाउ वी विल जस्टिफाई इट, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? तो जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 445.73 है, तो दिस लास्ट डिजिट, मतलब जो डेसिमल के बाद में जो सेकंड डिजिट आ रहा है, ठीक है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो हमें इसको इंक्रीज करने की जरूरत तो है ही नहीं भाई। अगर आप यहाँ पर कहो कि 3 यहाँ पर, अगर ये 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है यहाँ पर पीछे, तो हमें यहाँ पर 7 की जगह 8 करना पड़ता। यस और नो? यस। सो नंबर इन द फर्स्ट डेसिमल इज इंक्रीज बाय 1 इन दैट केस, राइट? बट इफ द सेकंड डेसिमल इज ऑक्यूपाइड बाय अ नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पर आप देखो सेकंड डेसिमल इज ऑक्यूपाइड बाय द नंबर लेस देन 5, है या नहीं है? यस सर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक, हाँ बोल भाई। सर अभी क्या बोला सर आपने, ये 3 के बाद क्या बोला सर अभी? हाँ वो वही बोल रहा हूँ, वापस ही रिपीट ही कर रहा हूँ, सुनो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, इफ द सेकंड डेसिमल, मतलब कि ये 3 वाला डिजिट जो है वो ये सेकंड डेसिमल हुआ, सो इफ द सेकंड डेसिमल इज ऑक्यूपाइड बाय नंबर less than 5, तो क्या करेंगे, then it is ignored, और अगर ये जो decimal है second decimal, if the second decimal is 5 or more than 5, तो क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट डेसिमल है उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं बाय 1। यस और नो? अरे हाँ ना। यस सर। इफ इट इज यस सर 5 और मोर देन 5 सर सेकंड डेसिमल में। अरे हाँ भाई, सेकंड डेसिमल की तो बात कर रहा हूँ यार। इफ इट इज 5 और मोर देन 5 देन क्या हो जाएगा बेटा, द फर्स्ट डेसिमल प्लस 1 then first decimal is increased by, then first decimal is increased by
ठीक है, बाय बाय वन। बोलो क्लियर है यहां तक? तो यहां yes, पर sir. अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? ये तो लेस देन फाइव है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अरे हाँ सर, डिफरेंस होगा ना। हाँ सर, डिफरेंस भी होगा ना। 4.5.7 तो ये आपका सम आ गया, राइट? और अगर आप यहाँ पे डिफरेंस में देखें तो डिफरेंस में आंसर क्या है? 411.27 होगा। अब यहाँ पर 7 दैट इज ग्रेटर देन 5 तो 2 को इंक्रीज तो ये हो जाएगा 411.3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस कोई दिक्कत? नो ठीक नो। चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने देखा बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि राउंडिंग, यहाँ पर हमने एक ये मेथड यूज किया, दिस इज मेथड नंबर वन। सेकंड मेथड क्या कहता है? इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ द डेटा। सेकंड मेथड है राउंडिंग ऑफ द डेटा। तो राउंड ऑफ करने में क्या हो जाएगा? सपोज हमें लिखा है 428.5 और था 17.23, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यह पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल नंबर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, द रिजल्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेंड बाय राउंडिंग ऑफ द अदर डेटा इन अकॉर्डिंग विद द डेटा। तो हमारे पास में डेटा गिवन है, तो इसमें वीक लिंक कौन सा है, हमें कौन है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, किसकी वजह से परेशानी? अरे भाई ये तो बेचारा सीधा साधा था, हमें परेशानी तो इसकी वजह से हुई, 17.23 की वजह से। अगर ये बेचारा चुपचाप से 17.2 आ जाता तो हमें कोई परेशानी होती क्या? नो नो। हम क्या करते हैं कि जो 17.23 हमें दिखाई दे रहा है तो 3 इज एट अ सेकंड प्लेस, तो इट कैन बी इग्नोर्ड, राउंड ऑफ कर सकते हैं और हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भाई आप इस 3 को इग्नोर कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 445.7। ये सम आ गया, आया ना? और यहां पर भी देखो 428.5 माइनस 17.2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 411.3। तो यहां पर आंसर देखो, यहां पर आंसर देखो, देखो 445.7 यहां पर आ रहा था सम और डिफरेंस आ रहा था 411.3। क्या सेम आंसर यहां पर आ रहा है? 445.7 एंड 411.3। बोलो यस और नो। मतलब सर आपने किया क्या एक बार एक्सप्लेन करो ना सर इसको। तो वही तो किया, एक्सप्लेन कर क्या रहा हूं। यहां पर ये जो पीछे 3 था ना इसके, उसको राउंड ऑफ कर दिया भाई, 17.23 को मैंने 17.2 कर दिया, राउंड ऑफ। आया समझ में? यस, क्योंकि 428.5 को तो राउंड ऑफ कर नहीं सकते आप, है ना? इसलिए आंसर एक बार क्या नेक्स्ट देखो, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चलिए देखो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसका लिए क्या रूल है, बहुत सही रूल है इसके लिए भी। देखो इसमें क्या रूल था, आ गया ये रहा, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रिजल्ट कंप्यूटेड फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर
of significant figures of significant figures in a result computed from multiplication or division, computed from multiplication or division, then the least number of significant figures in the data from which the result is computed. ये भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या है. ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, दो ले लेते हैं एग्जाम्पल है. सपोज आपको गिवन है 312.65 एंड 24.26.4. ये गिवन है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई 312.65 एंड 26.4. अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर आप इसे कैलकुलेट करो, कोई भी बच्चा कैलकुलेट करेगा कैलकुलेटर में तो क्या आंसर आएगा बताइए मेरे को. ठीक, तो आंसर आ रहा है 8253.96. ये आंसर आया हमारे पास में. ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पर, व्हाट इज द वीकेस्ट थिंग इन दिस. एक चीज समझो, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 और इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3. ठीक है, सो एज द वीकेस्ट लिंक 26.4 हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए, दिस इज द वीकेस्ट लिंक, तो हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. अब यहां पर अगर आप देख रहे हो 8253.96, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. यस सर, पर हमें 5 नहीं चाहिए, हमें तो 3 चाहिए. सिग्निफिकेंट फिगर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. तो 3 आने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो यह है कि इसको राउंड ऑफ करोगे तो 8254 आएगा, लेकिन इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. दूसरा ऑप्शन है कि इसको कम कर दो 8252 तो भी 4 आएगा, 8251 करेंगे तो भी 4 आएगा, और 8250 करेंगे तो क्या आएगा, 8250 करेंगे तो क्या आएगा, 3. सो यहाँ पर हमें आंसर क्या लेना होगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें आंसर निकालना है तो 8250 इज द आंसर. बोलो, आई बात समझ में सर? तो ये यस सर, जो आंसर लाया सर वो तो उसमें तो 6 हो गए ना सर. हाँ, ऊपर तो 6 हो गए ना सर, सिग्निफिकेंट फिगर 6 कहाँ हो गए, 8253.96. हाँ, तो उससे क्या लेना देना है, हमें तो इसका देखना है ना, ये डेटा देखना है ना हमें तो, और इस डेटा में हमें ये देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसका है तो इसका है, तो वो वीकेस्ट लिंक है, तो वीकेस्ट लिंक है तो वही हमारा क्या आना चाहिए, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए हमारे पास में, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब 8250 आएगा. ओके सर. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो. मान लो आपको दिया जाता है कि डेंसिटी पूछी जाती है, आपको डेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इन टर्म्स ऑफ विद रिगार्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको कहा जा रहा है
कि मास ऑफ द बॉडी इज 2.5 इनटू 10 रेस टू 5 एंड वॉल्यूम आपको गिवन है 4.75 इनटू 10 रेस टू 3, तो डेंसिटी निकालनी है. तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम. तो मास हो जाएगा 2.5 इनटू 10 रेस टू 5 एंड वॉल्यूम हो जाएगा 4.75 इनटू 10 रेस टू 3. तो ये 5 और ये 3, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2.5, ये और ये, तो ये आ जाएगा ऊपर 10 रेस टू 2 और नीचे आ जाएगा 4.75. तो 2.5 इनटू 100 कितना आ जाएगा, 250. यस. और 250 डिवाइड बाय 4.75 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 52.6 और आगे जाए तो 5, 7, 8, 9. तो 5 के बाद 6, तो ये ले लिया हमने 52.6316, ये हमने ले लिया. ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर देखो 2.5, इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, 2. 4.75, इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, 3. तो वीकेस्ट लिंक कौन सा है, 2.5 इज द वीकेस्ट. तो वीकेस्ट लिंक 2.5 है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आना चाहिए. अब है हमारे पास में 52.6316, तो क्या डिजिट हम ला सकते हैं, राउंड ऑफ करके 53 कर सकते हैं सीधा सीधा से. यस सर. यस यस. तो 53 आपका सिग्निफिकेंट नंबर भी 2 हो जाएगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा और आपका आंसर 53 हो जाएगा. बोलो यहाँ तक क्लियर है. यस यस सर. यस सर. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले. नो सर. ठीक. नो सर. गुड. तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आप अच्छे से तब कर पाओगे जब आपको इसके सारे रूल्स याद हो और आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो. तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें से आप इसको गो थ्रू करना शुरू कीजिए. ठीक है, अब ये जो कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा हो गया कम्प्लीट. इसके बाद अब हम शुरू करेंगे एरर्स. अब हम शुरू क्या करने वाले हैं, एरर शुरू करेंगे. तो एरर जो है उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में स्टडी करना है. वो एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है. ठीक है, और डेफिनेटली एक चीज आप समझिए कि एरर्स जो आएंगी या तो दो तरीके से आ सकती हैं. या तो हम ये कहें कि एरर जो आएगी वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, मतलब जो ऑब्जर्वर है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, अगर उसने ध्यान नहीं रखा चीजों का तो एक एरर वहां पर आने के चांसेस होते हैं. दूसरा एरर आने के चांसेस वहां पर होते हैं कि भाई मान लो कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अगर उस इंस्ट्रूमेंट में ही थोड़ी सी एरर है पहले से, ठीक है, देन ऑल्सो देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर. ठीक है, तो ये दो मेनली एरर्स आती हैं. तीसरा एरर एक ये भी हो सकता है कि हम ये कहें कि भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस हो या टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी एरर के चांसेस रहते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स वी कैन से देयर आर सर्टेन रैंडम एरर्स. अब रैंडम एरर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए कि हमने एक टाइम पीरियड फाइंड करने वाला एक एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, कि एक बॉब ले लिया आपने. सपोज यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग से एक यहाँ पर स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के साथ एक बॉब कनेक्ट कर दिया. अब हम इसे क्या कर, हम इसे ऑसिलेट करवा रहे हैं. ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया कि भाई पहली 10 सेकंड में इसने 8 ऑसिलेशन किए. दूसरी बार आपने सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम ऑब्जर्वर है, सेम एनवायरमेंट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन 10 सेकंड में नेक्स्ट टाइम आपने चेक किया तो भी पता चल रहा है कि 9 ऑसिलेशन कर रहा है. फिर से ट्राई किया आपने तो 10 सेकंड में पता चल रहा है कि 7 ऑसिलेशन कर रहा है. देन अगेन आपने ट्राई किया तो 11 ऑसिलेशन कर रहा है. देन अगेन आपने ट्राई किया तो 10 ऑसिलेशन कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर टाइम आपका ऑब्जर्वेशन अलग हो सकता है. डेफिनेटली अगर आपने साइंस के एक्सपेरिमेंट किए हो अगर क्लास में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपसे हमेशा एवरेज निकलवाया जाता है. जो भी रीडिंग आती है उसका हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालना पड़ता है. क्लियर है सभी को ये चीज. यस. एवरेज निकालने के पीछे लॉजिक यही होता है बेटा कि आपको जो आंसर मिले वो नियर बाय मिल जाए. बिकॉज एवरी टाइम यू आर डूइंग अ
same experiment with the same instrument, but still you are having a different reading, right? है कि नहीं? Yes sir. तो इसे हम कह सकते हैं रैंडम एरर्स. तो ये रैंडम एरर होने के कोई भी लॉजिक हो सकता है, किसी भी रीजन से रैंडम एरर आ सकती है. ठीक है, मान लो कि आपने जो क्लॉक बंद करनी थी वो एग्जैक्ट 10 सेकंड की जगह 10.01 सेकंड पे बंद की, है ना, तो भी एरर आएगी. चांसेस हैं, यस और नो? यस 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 सर. फिर आपने जो बॉब लिया, उस बॉब को सपोज आपने क्या किया कि फर्स्ट टाइम बॉब को यहां से स्टार्ट करके यहां से यहां पे ले गए बी पॉइंट पे, और यहां से हमने रिलीज करवाया. सेकंड टाइम आपने क्या किया कि इस बॉब को आपने यहां से रिलीज करवाया, सपोज इस पॉइंट से रिलीज करवाया. थर्ड टाइम मान लीजिए आपने उसे इस पॉइंट से रिलीज करवाया, राइट? तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ ही जाएगा उसमें. अब इतना एक्यूरेटली तो आप कर नहीं रहे हवा में लेके कि हाँ ये सही एकदम सेट है, यहां से हमें ड्रॉप करना है, राइट? ऐसा तो आप करोगे, एक अंदाजे से ही आप करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, सर. यस हाँ सर, ये थोड़ा है.